और सबसे बड़ी सच्चाई क्या, जब से तेरा गुलाम हो गया जग में मेरा भी नाम हो गया, जब से जग में किसके पीछे जानते हैं दूसरे को, सच बताना। ये सारी शक्लें जितनी है ना, जो सारी मुझे अपन बिल्कुल अपनों जैसी लगती है, अपने परिवार की तरह लगती है, मैं सच बताऊं सिर्फ ये है जिसकी वजह से जो खून के रिश्ते नहीं है वो भी खून के रिश्तों से बढ़कर लगते हैं साहब, मैं सच बता रहा हूं। कितना भी बड़ा दुख हो, कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, पर ये सच है जब दरबार में जाकर खड़े होते हैं और ये शाम प्रेमियों के मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते हैं ना, तो लगता है जैसे कुछ देर के लिए सारा टेंशन बाबा ने दूर कर दिया साहब। और ये क्वालिटी सिर्फ इस पिता की है जो सामने बैठा है और जिसने ये इतना बड़ा परिवार आज बनाया है। जब से तेरा गुलाम हो गया जग में मेरा भी नाम हो गया, बोलिए जब से तेरा गुलाम हो गया जग में मेरा भी नाम हो गया। वरना मैं जानता हूं बाबा, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी ओ तेरे दरबार की चाकरी, सबसे बढ़िया है। हाथ उठाओ, किस किस को पसंद है, दोनों हाथ उठाना, बिल्कुल सीधे, यही नौकरी है इसकी, ये आपसे झाड़ू पोछा नहीं करवाएगा भाई। ये वो सेठ है जो 2 घंटे मेहनत करवाकर पूरे महीने की तनख्वाह देता है साहब, पूरे महीने की, और 2 घंटे भी तकलीफ वो नहीं करवाता है जो दूसरे मालिक करवाते हैं, ये 2 घंटे सिर्फ तालियों की और भजन गाने की मेहनत करवाता है। एक बार दोनों हाथ उठाकर आज कर लो नौकरी, कसम खाकर कहता हूं जीवन संवर जाएगा, फागुन का महीना मेरा चल रहा है, झूम कर कहो बाबा से के बाबा तेरे दरबार की चाकरी, तेरे दरबार की चाकरी, सबसे बढ़िया
श्याम प्यारे की बोलिए रखदाता रे की।